आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। हेलो, वेलकम टू माय चैनल डेजर्ट लाइफस्टाइल। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशंस। गाजर का हलवा बनाने के लिए हमने ली है 2 किलो गाजर। गाजरों को धुलकर छील लेंगे और उन्हें कद्दूकस कर लेंगे। गाजरों को कद्दूकस कर लिया है। अब हम गाजर में 2 लीटर फुल क्रीम दूध डालेंगे और इसे मीडियम गैस पर पकने देंगे। दूध को सूखने तक पकाएंगे और इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे, जिससे गाजर का हलवा नीचे लगेगा नहीं। गाजरों में दूध सूख चुका है। हम इसमें 500 ग्राम चीनी ऐड करेंगे और मीडियम फ्लेम पर चीनी के पानी को सूख जाने तक पकाएंगे। चीनी का पानी सूख चुका है। अब हम 100 ग्राम मावा डालेंगे। अब हम 2 चम्मच देसी घी डालकर हलवे को 5 मिनट चलाते हुए भूनेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें हरी इलायची का पाउडर डाल सकते हैं। हमें इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम स्किप कर रहे हैं। पाँच मिनट हो चुके हैं, हलवा भुनकर तैयार है। गाजर का हलवा बनकर रेडी है। अब हम इसे गार्निश करेंगे मावा और टूटी फ्रूटी से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें।